एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ ने मुखबरी पर भिवानी मार्ग से दो चोरों को चोरी के सामान के साथ काबू किया। एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ के इंचार्ज ASI कृष्ण कुमार ने बताया कि वे तो शाम बस अड्डे पर गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि एक युवक सुरेंद्र चौक से भिवानी मार्ग पर कट्टे में इन्वर्टर और बैटरी लिए है, जो कि बेचने के फिराक में था। टीम ने मुखबरी पर गश्त की तो उनमें से एक पुलिस की गाड़ी को देखकर तेज तेज चलने लगा। टीम ने उसे काबू कर लिया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि पकड़े गए आरोपी का नाम सुमित है और उसने अपने साथी नीरज के साथ मिलकर एक वर्ष पहले गांव रिवासा के बस अड्डे से चोरी की और गांव धारण से एक मोटरसाइकिल भी चोरी की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू कर न्यायालय में पेश किया, जिन्हें वहाँ से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये कल मैं अपनी टीम के साथ गश्त पड़ताल है तो साहब बस अड्डा के पास मौजूद था। वहाँ मेरे को मुखबर ने बताया कि भी जो सुमित नाम का लड़का है, सुनोक राजवीर वासी दारण, ये सुरेंद्र चौक से भिवानी रोड पर यानी आगे एक प्लास्टिक के कट्टे में एक इन्वर्टर एक बैटरी ले रहा है। मुझसे कही चोरी की, इन्हें कैसे चोरी की? तो वहाँ पर पहुँचे तो आगे जैसे ही चले हम तो एक नौजवान लड़का एक प्लास्टिक के कट्टे में लिए हुए रोड के नज़दीक रखे हुए था। जैसे पुलिस की गाड़ी को देख करके वो दुकानों की तरफ जाने लगा। मैंने अपने साथियों कर्मचारियों की इमदाद से उसको काबू करके उसका नाम पता पूछा। उसने बताया कि मेरा नाम सुमित सुनोक राजवीर वासीपुर हाल धारण का रहने वाला है। इन्वर्टर बैटरी बारे में उनसे पूछताछ की तो पूछताछ में उसने बताया कि भाई एक वर्ष पहले मैंने वह मेरे साथी नीरज उर्फ छोटू सुनोक रणबीर वासी चांग ने मिलकर रात के समय गांव ढाणी रिवासा नाइयों की दो दुकानें हैं आमने सामने, उनमें से एक एक इन्वर्टर एक एक बैटरियां यानी दो इन्वर्टर दो बैटरियां चोरी की थी। जो एक इन्वर्टर बैटरी मेरे पास और एक इन्वर्टर बैटरी नीरज के पास, फिर मैंने उसको मुकदमे में गिरफ्तार किया और फिर नीरज को मैंने उसके गाँव से गिरफ्तार किया। उसके ने अपने घर रखे छुपा रखे रखे हुए इन्वर्टर बैटरी बरामद कराई जिसको मैंने कब्जा में लिया। तो शाम से अमित शर्मा की रिपोर्ट।